semacam itu. FIBA semester 1 paper C101 जिसका नाम है वेणी सामारा और इसकी रचयिता है भट्ट नारायण। तो वेणी सामारा नाटक में हमने आगे अंक एक और अंक दो इन दो अंकों के बारे में चर्चा की कि महाभारत के युद्ध भूमि के जो प्रसंग है यानी कि महाभारत के युद्ध का रण संग्राम के जो प्रसंग है कुछ घटनाएं है उस घटनाओं को केंद्रवर्ती बनाते हुए हमारे वेणी सहारम नाटक के रचयिता भट्ट नारायण ने वेणी सहारम नाटक में अपनी कल्पनात्मक कुशलता के साथ अपनी कल्पना के साथ ऐसे प्रसंगों का आलेखन किया है कि महाभारत के युद्ध के समय रण संग्राम में जो कुछ घटनाएं घटित होती है उसका मानो कि यहाँ पर एक प्रकार का चित्र चित्रित किया हुआ है चित्रांकन किया हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। वैसे तो भट्ट नारायण के बारे में हमने देखा था कि कांड्यकुंज यानी कि कनौज जो प्राचीन युग में मध्य प्रदेश में कनौज नाम वहाँ के निवासी तो ऐसे वेणी सहार के रचयिता भट्ट नारायण ने अपने नाटक में अपने तरीके से कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया है। महाभारत की जो घटनाएं है उसमें यथाउचित थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। तो हमने जो वेणी सहार नाटक है उसमें पहले आगे देखा कि कौन सी घटना घटित हुई थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि भीम अपनी प्रतिज्ञा को कटिबद्ध करते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो वेणी सहार नाटक का शीर्षक संस्कृत साहित्य में किसी भी कृति का नामकरण करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है। किस प्रकार की तो या तो कवि के नाम पर से दिया जाता है या नाट्य जो नाटक या तो कुछ सर्जन है उसके बारे में जो उसके प्रधान पात्र है उसके बारे में से नाटक का नामकरण दिया जाता है जिसमें नायक के नाम पर से या नायिका के नाम पर से। अब देखा जाए तो या तो न तो कवि के नाम पर से नाटक का नामकरण दिया हुआ है। वेणी सहारम वेणी कवि का नाम है भट्ट नारायण तो कवि के नाम पर से जो संस्कृत साहित्य में शिक्षक प्रदान करने वाली बात होती है तो कवि के नाम पर से तो शिक्षक दिया हुआ है नहीं। नायिका के नाम पर से तो नायिका का नाम यहाँ पर वैसे तो द्रौपदी नायिका तो उसके आधार पर भी शिक्षक का नाम करने नायक के नाम पर से तो यहाँ पर नायक वाली बात इतनी सी उलझी हुई है कि इसका कोई प्रधान नायक इस नाटक का कौन है इसके लिए विद्वानों में भी मतभेद प्रवर्तित है। जैसे कि हमने स्वप्न वास्तवदत्तम में देखा कि भास समस्या के बारे में विविध पक्ष मतभेद के माध्यम से हो गए और जो त्रिविध पक्ष थे वे अनुकूल प्रतिकूल और तटस्थ पक्ष के रूप में विभाजित हुए और उन्होंने अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए। उसी प्रकार वेणी सहारम नाटक के नायक के बारे में प्रधान नायक कौन है इसके बारे में सभी विद्वानों के अलग अलग मंतव्य है। कोई कहता है भीम है प्रधान नायक क्योंकि शुरुआत से अंत लेकर अंत तक भीम ही समग्र घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शुरुआत में भी भीम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए कटिबद्ध हुआ है और वह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण भी करता है इसलिए किसी विद्वान ने कुछ विद्वानों ने वेणी सहार के नाटक का जो नायक है उसके बारे में भीम का निर्देश किया कि भीम है। किसी ने दुर्योधन का निर्देश किया है किसी ने युधिष्ठिर का निर्देश किया है लेकिन हम देखते हैं तो यहाँ पर जो नाटक का नायक जो बलवान इस प्रकार नाटक का नायक यहाँ पर भीम प्रतीत होता है क्योंकि शुरुआत में नाटक के आरंभ में जब जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जोर शोर से
अपनी प्रतिज्ञा जो ऑडियंस है उसके सामने रजू करके प्रतिज्ञा के माध्यम से प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उजागर हुआ है, कटिबद्ध हुआ है, उसका वर्णन मिलता है। और वैसे ही युधिष्ठिर का भी ऐसा ही वर्णन मिलता है और दुर्योधन का भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो नायक के नाम पर से जो हमारा नाटक है हमें पढ़ना है, हमें उसका अध्ययन करना है। उस नाटक का नाम पर नायक के नाम पर से भी नहीं है, नायिका के नाम पर से भी नहीं है और ना तो कवि के नाम पर से। तो इन तीनों के अलावा एक और पद्धति थी कि नाटक के हर रूप प्रसंग पर से, नाटक में जितने भी प्रसंग है उन सभी प्रसंगों में से कोई ऐसा प्रसंग हो जो नाटक के संपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि नाटक की समग्र घटनाएं कुछ ऐसा कोई प्रसंग हो कि जिसके आसपास मंडरा रही हो, यानी कि जिसके आधार पर घटनाएं घटित होती हो। तो हम देखते हैं कि हमारे नाटक में जो वेणीसहारम नाम दिया हुआ है नाटक का और समग्र जो भी घटनाएं घटित होती है वह इस वेणी के माध्यम में, वेणी की पृष्ठभूमि में घटित होती है। किस प्रकार, अब देखने वाली बात यह है। तो हम थोड़े जो नाटक के बारे में हमने थोड़ा सा परिचय आगे लिया कि प्रथम में भीम की प्रतिज्ञा का वर्णन मिलता है और हमें देखना है कि वेणीसहारम इस जो टाइटल है, जो शीर्षक है, इसका हेतु, उसका उद्देश्य, उसका हार नाटक में यत्र तत्र कहां पर किस प्रकार मिलता है, किसी भी प्रसंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है, क्या सामंजस्य है, यह हमें आज देखना है, यह चर्चा हम कर रहे हैं। तो हमने प्रथम उसमें देखा, बाद में इसके वेणीसहारम के भी चर्चा करते रहेंगे कि जो टाइटल है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है। तो प्रथम अंक में हमने देखा कि प्रथम अंक के शुरुआत में हमने स्वप्न वासवतम में भी यही देखा था कि नाटक के आरंभ में सूत्रधार का आगमन होता है, प्रथम सूत्रधार का पात्र आता है और सूत्रधार का आगमन होता है, सूत्रधार सामने जो ऑडियंस बैठा है उसे, क्योंकि ये नाटक के नट और नटी किसी पात्र की, पूर्व पात्र की वेशभूषा द्वारा अनुग्रह सामने जो बैठे उनको, ऑडियंस को आनंदित करने का उनमें ऐसा भाव कि यही दुर्योधन है, यही भी है, ऐसा भाव आरोप करने का कार्य यानी नाटक में ही होता है। तो प्रथम में जो सूत्रधार है सामने ऑडियंस है, ऑडियंस को सुना रहा है रंगमंच पर अगर कि अब जो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का निर्माण होने जा रहा है, युद्ध होने जा रहा है, वैसे युद्ध को रोकने के सर्वथा प्रयत्न करते हुए भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन समक्ष संदेशवाहक यानी कि दूत के रूप में गए हैं और वे संधि प्रस्ताव के लिए गए हैं कि दुर्योधन अपने राज्य में से भाग पांडवों को दे, यह संधि प्रस्ताव रखने के लिए गए हुए, यह वर्णन मिलता है शुरुआत में आरंभ में। लेकिन जैसे ही सूत्रधार सुनाता है सामने ऑडियंस को यह बात, इतने में तो भीम अपनी जो बल युक्त गदा की, अपनी तेजों में गदा के साथ प्रचंड बल शक्ति का जो प्रतीक रूप गदा थी, गदा के साथ अपने भाई सहदेव को साथ में लेते हुए रंगमंच पर आ जाता है और ऑडियंस और को सुनाते हुए सूत्रधार को पलम देता है कि अरे दुष्ट, अरे सुतपुत्र, ऐसा कहकर कहता है कि ये तुम कैसे बातें कर रहे हो कि कौरवों का भी भला हो, सबका भला हो, कौरव यशस्वी हो, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकूंगा, ऐसा कहकर वो अपनी प्रतिज्ञा को फिर से नाटक की शुरुआत में दोहराता है। तो यहाँ पर जो हमारे वेणीसहारम नाटक का आरंभ है भीम की प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा को पूरा पूर्ण करने के लिए उसके यत्न, किस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करता है और प्रतिज्ञा का माध्यम है वेणीसहारम।
और प्रतिज्ञा के माध्यम से वेनिक किसकी द्रौपदी की, द्रौपदी की वेनिक सहारने की जो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी उसके लिए दुशासन का वक्ष स्थल चीरकर उसमें से रक्त निकालकर द्रौपदी की वेनिक सहारने और दुर्योधन की भुजाओं को जीर्ण शीर्ण कर देना। यह जो भीम की प्रतिज्ञा थी वह भीम प्रतिज्ञा पुनः दोहराता है सामने ऑडियंस को कि इस प्रकार जो मैंने प्रतिज्ञा ली है वह अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे ये संधि प्रस्ताव मंजूर है नहीं, भले संधि दुर्योधन रखे लेकिन मैं मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूँ, पूर्ण रूप से तैयार हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण अवश्य करूँगा, ऐसा भीम कहता है। और बाद में एक और भानुमति का एक यह संवाद पूर्ण होता है, दूसरा संवाद स्त्री पात्रों का है जिसमें दुर्योधन की रानी भानुमति द्रौपदी को कहती है वही बात वेणसहारम, हमारे नाटक का जो हार्द है टाइटल है वेणसहारम, जो भीम की प्रतिज्ञा थी उसमें यही बात है और द्रौपदी को भानुमति भी यही कहती है कि द्रौपदी तुमने अभी तक अपनी वेणी क्यों नहीं सहारी, संधि प्रस्ताव होने जा रहा है और तू ऐसे ही अपनी वेणी अपने बालों को ऐसे ही खुले रखकर घूम रही है। तब द्रौपदी के साथ जो दासी थी वह उसे सुना देती है कि हमारी महारानी तभी वेणी सहारेगी जब तुम विधवा होगी, इस प्रकार सुना देती है। तो इससे भी हमारे जो नाटक का हार्द है टाइटल है उसका हार्द हम समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार जो वेणी सहारम जो हार है नाटक का इसके इसे पुष्ट करने की कुछ प्रसंग किस प्रकार नाटक ने नाट्यकार ने आलेखित किए हुए यह देखने वाली बात है। तो इसमें भीम की प्रतिज्ञा बाद में भानुमति को द्रौपदी की दासी ने भी यही सुनाया कि जब तुम विधवा होगी तब हमारी महारानी वेणी सहारेगी। तो यह वृतांत मिलता है और यह वृतांत बाद में द्रौपदी भीम के समक्ष प्रकट होते भीम के समक्ष जाती है तो भीम को भी भीम को भी यही सुनने में आता है वो जो द्रौपदी की दासी की उसने सुना है कि मैंने हनुमति को ऐसा उत्तर दिया है तो भीम का क्रोध इतना बढ़ता नहीं और इस प्रकार भीम रण संग्राम में प्रवेश करता है। प्रथम पूर्ण होता है वो हमने आगे देखा। बाद में द्वितीय अंक में पांडवों की ओर से अभिमन्यु रण संग्राम में सेनापति के रूप में प्रवेश करता है और जिसका वर्णन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इस नाटक के हार्द को समझाने का प्रयत्न भट्ट नारायण ने किया है तो उसके एक दिन जो घटनाएं जो प्रसंग घटित होती है जो घटनाएं उसको कुछ अलग ढंग से आलेखित किया है लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है कि जिसका मतलब उल्लेख करके संक्षेप में वर्णन करके अपने नाटक का कथा वस्तु को प्रभावित किया है गतिशील बनाया है। तो अभिमन्यु के वध का वर्णन द्वितीय अंक के आरंभ में मिलता है। द्वितीय अंक के आरंभ में अभिमन्यु का वध कौरव की ओर से सेनापति के रूप में जयद्रथ था और जयद्रथ ने जो दुर्योधन का बहन हुई था उसने अभिमन्यु का वध कर दिया। यह वर्णन द्वितीय अंक के आरंभ में मिलता है। तो द्वितीय अंक के आरंभ में अभिमन्यु के वध से हर्षोल्लित होकर यानी कि आनंदित होकर दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति के समक्ष प्रस्तुत होता है। भानुमति को यह समाचार सुनाने के लिए अपनी रानी भानुमति से की अभिमन्यु का पांडव में से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है यह समाचार सुनाने के लिए वह रानी कक्ष में प्रवेश करने के लिए जाता है रानी कक्ष की ओर। इतने में उसने सुना कि भानुमति अपनी कुछ सहेलियों के साथ बातचीत कर रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि दुर्योधन कुछ आवेश में आ जाता है समाचार सुनाने के लिए गया है लेकिन भानुमति का वध करने के लिए उतारू हो जाता है। बाद में उसे सत्य क्या है पता चलता है कि यह तो स्वप्न था तो अपने आप को रोक लेता है
तो यहाँ पर भानुमति अपनी सहेलियों के साथ बातचीत कर रही है कि सखियों मैंने देखा कि पांडु पुत्र नकुल आकर उसने मुझे जगाया, उसने मेरा उसके साथ जो आकर्षण अट्रैक्शन की बात कर रही है कि तो उस प्रकार मुझे उससे आकर्षण हो गया और हम लता वन में चले गए वगैरह वगैरह सब बातें कर रही है। और इतने में भीम जो दुर्योधन था समाचार अभिमन्यु वध का सुनाने के लिए आया था, लेकिन भानुमति का वध करने के लिए दुराचार्य ने तो मेरे शत्रु पांडव पुत्र नकुल के साथ लता वन में सुबह इसीलिए चली गई थी ऐसा सोच के तलवार निकलता है। उसी क्षण भानुमति बोलती है कि इतने में मेरी नींद खुल गई। सुबह गणिकाओं ने अपने वाद्यों से वाद्यंत्र बजाने शुरू किए, देखा सवेरा हो गया था। इतना सुनते ही दुर्योधन जो पीछे पर्दे के पीछे यह बातचीत भानुमति और उसकी सहेली की बातचीत सुन रहा था, उसको पता चलता है कि मैं सोचे समझे बिना कुछ अनुचित कर बैठता। बाद में उसे पता चला कि यह तो स्वप्न में भानुमति को ऐसा स्वप्न आया था। तो अब भानुमति उनकी सहेलियों को कहती है कि मैं इस अमंगल स्वप्न का निवारण करने हेतु भास्कराचार्य को पुष्पांजलि पुष्पों का अभिषेक करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर भानुमति पुष्पों का अभिषेक करने के लिए अपने महल में प्रस्थान करती है। ऐसे में दुर्योधन भानुमति से मिलने का यह शुभ अवसर समझकर वह जो सहेली थी उसको इशारा करते हुए एक और घटने का इशारा करते हुए तो भानुमति के समक्ष प्रस्तुत होता है। अब भानुमति जो अपने अंजलियों में पुष्प लिए हुए पुष्पों से भास्कराचार्य को पुष्प चढ़ा रही थी और दुर्योधन ने वह हाथ अपना हाथ भी वहाँ पर रख लिया और पुष्प जमीन पर जाकर गिरे। भास्कराचार्य पर जाकर गिरने की वजह जमीन पर जाकर गिरे। तब भानुमति क्रोधित हो गई और दुर्योधन को उपाय देना शुरू किया कि तुमने ये क्या किया, तुमने आपने मैं भास्कराचार्य को पुष्प चढ़ा रही थी और पुष्प गिर गए, कुछ अघटित घटना होगी। ऐसे उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। उसी समय जयद्रथ की माता और उसकी पत्नी दुर्सला ये दोनों त्राहिमाम करती हुई दौड़ लगाती हुई दुर्योधन और भानुमति के समक्ष उपस्थित होती है कि त्राहिमाम रक्षामि माम। इस प्रकार उनकी दुर्सला और जयद्रथ की माता दोनों दुर्योधन के समक्ष आती हुई कहती है कि अभिमन्यु के वध से क्रोधित होकर अर्जुन ने शाम के सूर्य के अस्त होने से पहले यानी कि शाम का सूर्य ढले सूर्यास्त हो इससे पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली, इसीलिए हमें बचाइए। इस प्रकार कहती हुई दुर्सला और जयद्रथ की माता दुर्योधन समक्ष आती है और दुर्योधन उन्हें सांत्वना देकर उससे वह रणभूमि की ओर प्रस्थान करता है। यह था हमारे द्वितीय अंक का कथानक। अब हम आगे बढ़ते हैं तृतीय अंक के कथानक की ओर। तो तृतीय अंक के कथानक में जिस प्रकार हमने देखा, आगे मैंने चर्चा की, जिस चर्चा में देखा कि अभिमन्यु के वध का उल्लेख मात्र वर्णन के माध्यम से कर दिया है संक्षेप में, इसी प्रकार जयद्रथ वध का वर्णन द्वितीय अंक के आरंभ में मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभिमन्यु के वध का वर्णन मिलता है उसी प्रकार तो जयद्रथ के वध के साथ साथ द्वितीय अंक के आरंभ में जयद्रथ घुड़सवार सोमदत्त भगदत्त वाहनी ये कौरव पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे राजा से, जो कौरव के सैन्य के साथ अपना सैन्य मिलाकर रहे थे।
वे कौरव के पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे पांडव के सामने। तो इन सब के जयद्रथ, गुरेश्वर, सोमदत्त, भगदत्त, मालिक ऐसे कितने ही राजा थे, उनके रक्त से जो रणभूमि थी रक्त प्लावित थी। रणभूमि में उनकी उनके शव पड़े थे, किसी का मस्तक पड़ा था, इस प्रकार का वर्णन प्रेणीसार के रचयिता भट्ट नारायण ने किया है। और रणभूमि रक्त से, यानी कि उनका उनके लहू से लोहित रक्त से लथपथ उनके शरीर सब पड़े थे। और ऐसे में भीम दुशासन को ढूंढ रहा था, ऐसा वर्णन श्रीकृष्ण के आरंभ में मिलता है। अब भीम अपनी प्रचंड गदा शक्ति के बल से माध्यम से दुशासन को मारने के उतारू हुआ था, और भीम आवेग में दुशासन का प्रहार करने पर उतारू हुआ था, इसका वर्णन श्रीकृष्ण के आरंभ में मिलता है। ठीक इसी समय दुर्योधन की ओर से तृतीय अंक में वर्णन मिलता है कि द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे। कौरव सेना के सेनापति का जो मोर्चा सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य थे। अब द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति के रूप में युद्ध कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य और कौरव पांडव गुरु शिष्य। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी थी, शास्त्र शास्त्र की तालीम, इसके साथ साथ वेद वगैरह की शिक्षा भी इसी द्रोणाचार्य ने दी थी। तो गुरु के सामने भीम कैसे टिक पाता, अर्जुन कैसे टिक पाता, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि गुरु जिन्होंने अपने पास से जो शास्त्र शास्त्र के प्रयोग थे वो इन्हीं द्रोणाचार्य ने सिखाया था। अब गुरु के सामने भीम अर्जुन उनका टिक पाना असंभव था, यह भी देखने वाली बात है। तो तृतीय अंक में आरंभ में जयद्रथ के वध का वर्णन मिलता है। जयद्रथ का वध, जो जयद्रथ है उसका वध अर्जुन करता है, और जयद्रथ के वध के बाद भीम भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए दुशासन का वध करने के उतारू हुआ है, और दुशासन को ढूंढ रहा है रणभूमि में, युद्ध में वह दुशासन को ढूंढ रहा है। लेकिन उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, द्रोणाचार्य को सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। अब द्रोणाचार्य जैसे ही सेनापति के नियुक्त हो गए कौरव की ओर से, और कौरव की ओर से द्रोणाचार्य के सानिध्य में अन्य राजा राजा सिंह सब से उनके आदेश पर युद्ध कर रहे थे। उसी समय पांडव की ओर से भीम और अर्जुन भी द्रोणाचार्य के शस्त्रों के सामने टिक नहीं पाए। भीम की जो गदा शक्ति थी, भीम को अपनी गदा शक्ति का प्रचंड बल था, उसका जो गर्व था, वो भीम भी द्रोणाचार्य के शस्त्र प्रहार के सामने टिक नहीं पाया, और भीम की गदा शक्ति का जो प्रचंड बल था वह भी क्षीण होता हुआ भीम को नजर आ रहा था। और अर्जुन भी अब उनके सामने द्रोणाचार्य के सामने परास्त होता जा रहा था। तो भीम अर्जुन वगैरह रणभूमि में सोच रहे अब क्या किया जाए, वे हारे जा रहे थे। उसी समय पांडव सेना त्राहिमाम त्राही त्राही करके भगवान कृष्ण के पास गए। वर्णन मिलता है वेणीसार कि भगवान कृष्ण के पास गए, और कृष्ण ने द्रोणाचार्य को रणभूमि में से कैसे हटा दिया जाए, ताकि रणभूमि में भीम के प्रतिज्ञा का मार्ग खुला हो सके। मार्ग में अंतराय आ गया था, वो अंतराय था द्रोणाचार्य। अब जहां तक द्रोणाचार्य कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करते वहां तक भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण होना मुश्किल था। तो उसी समय इसी बात का हल निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा पर अधिक मोह है, अधिक स्नेह है, प्रेम है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा है, और हस्ती यानी कि हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है। तो इसी समय रणभूमि में यह बात फैला दी जाए कि अश्वत्थामा का वध हो गया है,
और यह बात पूरे जोर से रणभूमि में फैल चुकी कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जैसा ही द्रोणाचार्य ने अपने सारथी वगैरह के माध्यम से यह सुना रणभूमि में युद्ध करते हुए कि द्रोणाचार्य का वध सॉरी अश्वत्थामा का वध हो गया है, तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा। युधिष्ठिर पूर्ण बोले ही नहीं थे, अश्वत्थामा खत्म युधिष्ठिर का वाक्य पूर्ण नहीं हुआ था और द्रोणाचार्य ने इतना सुन लिया, क्योंकि युधिष्ठिर कहने जा रहे थे ऐसा कि अश्वत्थामा का वध हुआ है, लेकिन अश्वत्थामा आपका पुत्र या हाथी वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उस समय युधिष्ठिर सत्यवादी माने जाते, उनके मुंह से कभी असत्य नहीं निकल जाता। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर विश्वास किया और उस समय द्रोणाचार्य के पास जो भी शस्त्र थे वे सभी शस्त्र द्रोणाचार्य ने भूमि पर रख दिए और अपने पुत्र के वियोग में आ गए और पुत्र वियोग में इतने डूब गए, इतने शोक मग्न हो गए कि अपने पास जो भी हथियार थे उस हथियार से पांडव सेना की पर हावी हो रहे थे और उसी क्षण का लाभ लेकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को केस से पकड़कर रथ में से नीचे उतारकर द्रोणाचार्य का धड़ काट लिया, यानी कि सिर छेद कर लिया, द्रोणाचार्य का सिर छेद कर लिया। द्रोणाचार्य ने जैसे ही अपने हथियार शस्त्र भूमि पर रख दिए थे, उसी के साथ साथ पांडव पक्ष में जो कौरव पक्ष के अन्य राजसी थे जो युद्ध के मोर्चे में द्रोणाचार्य के साथ थे उन सभी को परास्त कर दिया। भीम की जो गदा क्षीण हो गई थी वह भी अब बलवान हो गई, भीम में भी बल आ गया और उन्होंने इस प्रकार कितने ही कौरव पक्ष के योद्धाओं को परास्त कर दिया। अब द्रोणाचार्य वध के साथ साथ कृपाचार्य जो द्रोणाचार्य के बहुरोही थे, कृपाचार्य भी युद्ध भूमि में थे और कृपाचार्य ने द्रोणाचार्य का वध होते देखा, वह अपने घंटे अश्वत्थामा के पास पहुंच गए और अश्वत्थामा के पास पहुंच कर कहने लगे कि धिक्कार है, मैंने जो देखा युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य का वध, इसलिए मुझे भी धिक्कार है और उस द्रोणाचार्य को भी धिक्कार है कि जिसने दुशासन ने जिस प्रकार द्रौपदी के केस पकड़ कर द्रौपदी को भरी सभा में ले गया था, उसी प्रकार अब फिर से यही बात आ गई, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को केस से पकड़कर चोटी से वेणी से पकड़कर उनका सिरच्छेद किया, उसे भी धिक्कार है। धिक्कार है युधिष्ठिर को जिसने कहा कि अश्वत्थामा खत्म, पूरी माहिती के अभाव में सच क्या है झूठ क्या है जाने बिना कह दिया कि अश्वत्थामा खत्म, धिक्कार है। इस प्रकार कहते हुए अपने भांजे अश्वत्थामा को उसके मामा कृपाचार्य द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए तैयार कर रहे थे कि अपने पिता द्रोणाचार्य का बदला तू प्रतिशोध तू ले पांडवों से, इस प्रकार तैयार करने के लिए वे उसे क्रोधाग्नि की ज्वालाओं में भड़का कर वे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को लेकर कृपाचार्य एक दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से सोचते हैं कि दुर्योधन को कहकर कृपाचार्य ने सोचा कि मैं अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में नियुक्त करूंगा कौरवों के सेनापति के रूप में और अश्वत्थामा पांडवों से अपना प्रतिशोध लेगा। इस प्रकार सोचकर वे जैसे ही कौरव के ज्येष्ठ भाई दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन के पास गए उससे पहले दुर्योधन ने
कौरव सेना के सेनापति के रूप में कर्ण का कर्ण को नियुक्त कर दिया। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचे, कृपाचार्य का ध्येय यह था कि अपने भांजे अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दिया जाए, जिससे वह पांडव से अपना अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। लेकिन इससे पहले कर्ण को दुर्योधन ने नियुक्त कर दिया था। अब द्वितीय अंश में इस प्रकार वेणी सहार के रचयिता भट्ट नारायण कहते हैं कि कर्ण ने यह सुना कि मामा कृपाचार्य अपने धन के अश्वत्थामा को सेनापति बनाने के लिए उत्सुक है, तब वह कर्ण आवेश में आ गया और जो सेना नायक बना था उसके मन में अभिमान में कर्ण ने कृपाचार्य को कटु वाणी सुनाने की शुरुआत की, कटु वचन सुनाने की शुरू किए कि हे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, तुम सेना के नायक बनने के लिए उत्सुक हो, लेकिन तुमने जाना कि तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य सेना के नायक बने थे। ब्राह्मण का सेना का नायक बनना उचित नहीं है, ऐसा कहकर कर्ण उसे उपलम्ब देता है कि सेना का नायक बनना कोई सामान्य कार्य नहीं है, उसमें वीरता शौर्य की आवश्यकता है। तुम्हारे पिता ने सेना का नायक बनकर सेना युद्ध मोर्चे में अपने कौरव पक्ष की सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने साथ साथ कितने ही अपना सर कटवा लिया, साथ साथ कितने ही राजाओं को भी कटवा दिए गए, उनका भी वध हुआ। तो द्रोणाचार्य की मृत्यु के साथ साथ अन्य कहीं बहादुर पराक्रमी राजाओं का भी वध हो गया। इसीलिए यह कोई साधारण सा कार्य नहीं है कि किसी पक्ष की ओर से ब्राह्मण सेना का सेनापति बने और युद्ध मोर्चे पर खड़ा। इस प्रकार अश्वत्थामा को सुनाया जा रहा था कर्ण, और अश्वत्थामा बोला कि मेरे पिता द्रोणाचार्य कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, मेरे पिता द्रोणाचार्य का बल इतना असीम था कि उनके सामने देव और देवताओं के शस्त्र भी टिक नहीं पाते थे, और मेरे पिता द्रोणाचार्य के सामने किसी का टिक पाना संभव ही नहीं था। धृष्टद्युम्न ने उनका लाभ उठाकर जो उन्होंने अपने शस्त्र भूमि पर रख दिए।